जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये है सुरेन डीसी यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं हैट्रिक विद सुरेन वर्मा, जिसमें हम बात करते हैं देश और दुनिया से क्रिकेट से जुड़ी तीन बड़ी खबरों पर। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन। एबी डिविलियर्स के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 3TC क्रिकेट, साउथ अफ्रीका का एक स्पेशल फॉर्मेट 3TC क्रिकेट, जिसमें तीन टीमें खेली जानी थी और एक ही मैच में तीनों टीमों ने पार्टिसिपेट करना था। ये मैच जो 27 जून को खेला जाना था, कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को इस पर परमिशंस मिल गई हैं और ये 18 जुलाई को खेला जाएगा। ये मैच इतना स्पेशल क्यों है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में बात की है, लेकिन कल सुबह एक और वीडियो में हम इस पर स्पेशली बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के बचे हुए 4 मैचों को कराने के लिए एक बैठक प्लान कर रहा है। आने वाले बृहस्पतिवार को PCB PSL गवर्निंग कमेटी के साथ एक बैठक करेगी, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या बचे हुए 4 मैचों को करा दिया जाना चाहिए। इस मीटिंग के लिए बोर्ड ने सभी 6 PSL फ्रेंचाइज को लेटर लिखा है और कहा है कि वे अपनी ओपिनियन देने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस लेटर में ये भी क्लियर किया कि इन 4 मैचों को कराने में 4.5 से 5 करोड़ के बीच खर्चा आएगा, जबकि रेवेन्यू 5 से 8 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से 80 करोड़ के बीच होगा, जो कि काफी बड़ा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले बृहस्पतिवार को PSL पर क्या फैसला लिया जाता है। भारत में टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित किए जाने के बाद IPL में वीवो की स्पॉन्सरशिप को कैंसिल किए जाने की बातें फिर से सुलगने लगी हैं। वीवो की स्पॉन्सरशिप को लेकर BCCI ने IPL गवर्निंग कमेटी के साथ एक बैठक की घोषणा भी कर रखी थी, लेकिन वो बैठक अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन अब टिकटॉक बैन के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के को ऑनर नेस वाडिया ने कहा है कि इस पर किसी प्रकार की बैठक की आवश्यकता नहीं है, बिना और देर किए वीवो की स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी देश और दुनिया से क्रिकेट से जुड़ी आज की तीन बड़ी खबरें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे 3 नई ताजा खबरों पर। तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।